निकिता तोमर के लिए सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से निकिता तोमर के पिता और परिवार के सदस्यों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर बात की। निकिता के परिवार ने 3 नई मांगे सरकार से की हैं। निकिता के परिवार ने सेक्टर 2 में बन रहे गवर्नमेंट कॉलेज का नाम निकिता तोमर के नाम पर रखे जाने की मांग की है। इसके अलावा निकिता तोमर के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए, ये मांग परिवार के सदस्यों से की गई है। इसके अलावा 1 करोड़ का मुआवजा भी निकिता तोमर के परिवार की ओर से मांगा गया है। श्रद्धांजलि सभा है, वीर बेटी थी, किस तरह के इंतजाम के साथ आप लोग इसका पालन करेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे पहले जिस तरह की महापंचायत हुई थी उसमें कुछ अव्यवस्था हो गई थी। यहाँ पर बड़ा शांति से करेंगे सारा चीज, कोई भाषण वगैरह किसी का नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जो भी आएंगे बेटी के लिए फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद अपना निकल जाएंगे, और यही है बस, इसके शांति से करेंगे सारा कुछ। आप पिता हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी निकिता चली गई, किसी और की बेटी निकिता ना बने, उसके लिए पुलिस ने अब तक जो चार्जशीट फाइल की है और बहुत जल्दी एक्शन ले रहा है, क्या आप लोग अब सेटिस्फाई हैं? हाँ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई जल्दी से की है, उससे तुसील पुलिस का धन्यवाद देते हैं सारे प्रशासन का, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय भी हमें मिलेगा, और ज्यादा जो कानूनी प्रक्रिया है वो निकिता के मामा देख रहे हैं, वही बता पाएंगे ज्यादा बेटर इसके बारे में। श्रद्धांजलि सभा से कि ये मैसेज भी तो कहीं ना कहीं जाएगा कि और बेटियां भी अलर्ट रहे, प्रशासन भी अलर्ट रहे और निकिता जैसा हाल बेचारा किसी और बेटी का ना हो। बिल्कुल सर, निकिता एक सबक है सभी के लिए कि आने वाले टाइम में वो अपनी रक्षा करना स्वयं भी सीखें और इसे सबक लें कि आगे इसके जो हालात हो रहे हैं उनके लिए तैयार रहें। सरकार से हमने 3 मांग रखी हैं, आपके माध्यम से सरकार हमारी 3 मांगों पर विचार करके हमारी पूरी करे। एक तो नंबर 1 तो है, यह एक कॉलेज बन रहा है सेक्टर 2 में गवर्नमेंट, उसमें उस बिटिया का नाम रखने का नाम से नाम रखा जाए। दूसरा, नितिका का जो भाई है, एक ही भाई है, उसको गवर्नमेंट सर्विस दी जाए और आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ की दी जाए। निकिता तोमर की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निकिता के परिवार की मांगों को लेकर जी मीडिया से खास बात की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिवार की मांगों के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात की जाएगी। निकिता का श्रद्धांजलि देने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। मंत्री जी, श्रद्धांजलि दी और किस तरह का माहौल और आपके तरफ से क्या परिवार को संतावना दी गई? नहीं, परिवार ने श्रद्धांजलि सभा रखी है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके बाद जो हालात है, कोविड के जो हालात हैं, कोविड जो फैला हुआ है उस गाइडलाइन पर श्रद्धांजलि सभा जो सेक्टर 2 में रखी है परिवार वालों ने, और मैं भी सरकार की तरफ से बल्लभगढ़ की बेटी होने के नाते दोनों में श्रद्धांजलि सभा देने के लिए आया हूँ और बेटी हमारे शहर की है। मंत्री जी, जी मीडिया से बातचीत करते हुए उनके मामा, उनके पिताजी ने एक मांग रखी है कि भाई सरकारी नौकरी दी जाए, कॉलेज जो है उसका नाम रखा जाए और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। उसके मामा ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोला है सरकार से बात रखेंगे, और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के संज्ञान में भी इन लोगों ने ला दिया है। नहीं, कृष्ण पाल के संज्ञान में लाया, मेरे संज्ञान में बात मुख्यमंत्री करेंगे, जो भी है जो रास्ता है। आज इनकी श्रद्धांजलि सभा हो ले माननीय मुख्यमंत्री जी से, और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, बैठ के बात करेंगे, जो भी पारिवारिक मत हो, परिवार की क्या मत कर सकते हैं, परिवार क्या मत होनी चाहिए बात हम करें। आप आश्वासन देते हैं कि बाकी बातें फास्ट ट्रैक की बात थी वो हो रहा है? फास्ट ट्रैक की बात है, दूसरी बात है, वो सबने कार्रवाई करी है, 11 दिन में चार्जशीट पेश करी है जो दोषी अनुकरण 2018 से जो लोग इसमें थे राजी कराने में, राजीनामा कराने में, उसको भी हम इंक्वायरी करें। कानून की क्या उम्मीद की जा सकती है? विधानसभा का सेशन हुआ अभी, गृह मंत्री अनिल विज साहब ने भी तमाम बातें रखी कि इस पर विचार किया जा रहा है, इसकी जरूरत है, कानून बनना चाहिए? नहीं, इसका कानून बनेगा, इस पर लव जहाज जैसे लव जहाज पे इस पर पूरे आज देश को जरूरत है, और इस तरह से बेटियां कुर्बानी होती रहेंगी, कानून बनना चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साहब तो के कह रहे हैं कि लव जिहाद पर भी कानून बनना चाहिए और उसके परिवार की जो भी मांगे होंगी उसकी बात मुख्यमंत्री के सामने भी रखी जाएगी और उन तमाम चीज़ों को लेकर फिर दोबारा से सरकार के पास बात रखने का और पहुंचाने का काम मंत्री भी करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, बल्लभगढ़, फरीदाबाद।